शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जो गेस्ट हमारे मौजूद हैं उनका वेलकम करते हैं और कंसल्टिंग एडिटर मिस्टर शिशिर अवस्थी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। वो प्लीज मंच पर आए और हमारे बीच जो मंत्री पहुंचे हैं योगेंद्र उपाध्याय जी, प्लीज आप भी आए और सुनील भराला जी आप भी स्टेज पर आए और सबसे पहले इनका वेलकम करते हैं और जोरदार तालियां यहां रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि इसी कार्यक्रम के जरिए भारत की बात होगी, बात आगरा की होगी, बात होगी कि किस तरह से देश में विकास हो रहा है और आज भारत किन ऊंचाइयों पर पहुंचा है। तो जोरदार तालियों के साथ वेलकम करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत करने के साथ आगे हम बढ़ेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत के साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, विकास की बात होगी और अब लैंप लाइटनिंग करते हैं और उससे पहले बुके देके सबसे पहले जो हमारे बीच तमाम मंत्री मौजूद हैं उनका स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। और दोनों मंत्री जी से गुजारिश होगी प्लीज आप मंच पर बने रहेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत लैंप लाइटनिंग के साथ करेंगे, दीप प्रज्वलन के साथ करेंगे और राजेश शर्मा जी, नासिर अहमद साबरी जी, निमित बारशे जी, डॉक्टर समीर भाटी जी, ये तमाम वो नाम है, प्लीज आप मंच पर आए और इस कार्यक्रम की शुरुआत लैंप लाइटनिंग के साथ करने के साथ वो तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। शंकर सिंह भदौरिया जी, डॉक्टर भीष्म पाल सिंह जी, राम सिंह ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन और अभिनव मिश्रा जी। माइक चेक। तो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 के मंच पर आने के लिए। मैं चाहूंगी कि इससे पहले कि सेशन का आगाज हो आप लोग एक बार जोरदार तालियों के साथ में हौसला अफजाही करें क्योंकि आप सभी लोग वक्त से पहले भी आए हैं और आप लोगों की मौजूदगी दर्ज हो इसके लिए आप लोगों की तालियों का जो शोर है और आप लोगों का जो टेंशन है वो बना रहे। तो चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले योगेंद्र उपाध्याय जी आपके पास आते हुए, क्योंकि जो महकमा आपके पास में है वो देश के भविष्य को बनाता है और क्योंकि हम समग्र विकास की बात कर रहे हैं, हम समग्र बढ़ते भारत की बात कर रहे हैं, तो आप अभी तक अपनी अचीवमेंट को जब गिनाते हैं तो उनमें 1, 2, 3 पॉइंट कहां पर आप रखते हैं? हेलो, देखिए जब योगी जी की सरकार से पहले उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था थी वो बड़ी शर्मनाक स्थिति थी कि उन लोगों के हाथों पे थी जो लोग ये कहा करते थे छात्रों के बीच, युवाओं के बीच, कि आप हमको वोट दीजिए हम आपको नकल का अधिकार देंगे। और इस व्यवस्था ने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया था, भंटाढार कर दिया था। योगी जी ने जब योगी वन कार्यकाल उनका चला तो उसको ढर्रे पर लाए और आज पटरी पर दौड़ रही है। पिछले 2 वर्षों का यानी योगी 2 जिसमें मैंने ये दायित्व संभाला, योगी जी ने मुझको दिया, तब से आशातीत सफलताएं मिली है उत्तर प्रदेश की शिक्षा को। इससे पहले उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश में एक भी विश्वविद्यालय नैक ग्रेडिंग में भी नहीं था, नैक रैंकिंग की कोई ग्रेड नहीं थी, ना यूजीसी की कोई ग्रेड थी। आज उत्तर प्रदेश के 7 सरकारी विश्वविद्यालय, गौर करने वाली बात है कि सरकारी विश्वविद्यालय भी 7 A++ ग्रेडिंग को पा चुके हैं और 4 A+ ग्रेडिंग को, और निजी विश्वविद्यालय में 6 निजी विश्वविद्यालय A+ और 4 A। यूजीसी की ग्रेड 1 में 2 विश्वविद्यालय आ चुके हैं और अब इंटरनेशनल ग्रेडिंग की ओर हमारे 2-3 विश्वविद्यालय बढ़ रहे हैं। आज हिंदुस्तान के जितने भी
राज्य हैं, सबसे ज्यादा ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में हो गए हैं। और इसका असर क्या होता है, देखिए कि लखनऊ विश्वविद्यालय जो इससे पहले कोई ग्रेडिंग नहीं थी, वहां पर 80 विदेशी छात्र पढ़ते थे, आज 800 से ऊपर विदेशी छात्र पढ़ने को आ रहे हैं। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बन रहा है, ये उपलब्धि। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के कितने आश्चर्य की बात है कि आज़ादी के 70 साल से अधिक हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी छह मंडल ऐसे थे जहां सरकारी विश्वविद्यालय नहीं था। योगी जी ने संकल्प पत्र में लिखा, बताया कि हम आने वाले समय में हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय देंगे और शिक्षा में प्रतिस्पर्धा बढ़े, गुणवत्ता बढ़े, इसके लिए निजी विश्वविद्यालय को आमंत्रित करेंगे। आज 2 साल ही हुए, अभी 2.25 साल योगी जी की सरकार को, हर मंडल में या तो विश्वविद्यालय प्रारंभ हो चुका सरकार का या निर्माणाधीन है। तो 2 साल के अंदर इस उपलब्धि को प्राप्त करना, और लगभग 25 ऐसे निजी विश्वविद्यालय हैं जिनको LOP या LOI मिल चुकी है, जो आने वाले समय में शिक्षा का हब बनाएंगे उत्तर प्रदेश को, जिसमें बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थाएं हैं, प्रायोजक संस्थाएं हैं, जो उत्तर प्रदेश में अपने विश्वविद्यालय खोल रही हैं। इससे न सिर्फ गुणवत्ता बढ़ेगी बल्कि उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बनेगा। एक नई नीति बना रहे हैं हम लोग माननीय योगी जी के निर्देश पर। उनका संकल्प है कि हर जिले में, यानी अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति पर भी उच्च शिक्षा पहुंचे, तो हर जिले में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। तो निजी विश्वविद्यालय प्रायोजक संस्थाओं को आमंत्रित करने के लिए, क्योंकि असेवित जिलों में कैसे विश्वविद्यालय खोलें, तो इंसेंटिव्स दिए जाने हैं। तो एक नीति बन रही है हम लोगों की, जो असेवित जिले हैं जहां अगर विश्वविद्यालय खोलेंगे तो निश्चित रूप से वहां पर लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति पर उच्च शिक्षा पहुंचेगी। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में देश विदेश के छात्र अब आके पढ़ेंगे, जो हमारे छात्र विदेश जाया करते थे। यह 2 साल की उपलब्धि है। भराला जी, इतनी सारी उपलब्धियां, 2047 का विजन लेकर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी यूपी में जो नतीजे सोचे थे वो नहीं आए। अब तो बहुत आत्मंथन हो चुका होगा, क्या कुछ वजह सामने आई अभी तक? सर, डेवलप हो रहा है, वो इंटरनेशनल लेवल का हो रहा है, लेकिन क्या आप ये नहीं मानते कि अगर यूपी की बात करते हैं तो शिक्षकों की कमी अभी भी एक बड़ी चुनौती है? पहले अपने जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, अगर उनको बेहतर शिक्षा मिलेगी तब तो हम बाहरी लोगों को प्रेरित कर सकते हैं ना कि वो यहाँ पर आएं और इस अच्छे एजुकेशन का वो भी हिस्सा बने। देखिए, कहीं शिक्षकों की कमी नहीं है, जहां पर कमी है वहां संविदा पे रखे गए हैं और अब इनकी वैकेंसी भी क्रिएट हो रही है। अभी हाल में ही हमने विश्वविद्यालय को पद सृजन करने के निर्देश दिए हैं और वहां पर जल्दी ही इंटरव्यू से रिक्त स्थान भरे जाएंगे, और जहां रिक्त स्थान है वहां या तो संविधान पर या गेस्ट आर्टिस्ट के रूप में पढ़ाई हो रही है। पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दी गई है, बल्कि इससे आगे हम ये करने वाले हैं कि जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ने लोग विदेश जाते थे, उन यूनिवर्सिटी के जो एक्सपर्ट थे इसलिए लोग वहां जाते थे, अब उन यूनिवर्सिटीज को आमंत्रित कर रहे हैं कि अपनी फैकल्टी हमारे यहाँ लाएं और यहाँ पर विभाग खोलें, जिससे हिंदुस्तान के छात्र को विदेश न जाना पड़े और गरीब छात्र जो जाने में सक्षम नहीं था उसको यही वो शिक्षा मिल जाए जिसके लिए उसको विदेश जाना पड़ता है। मतलब आप कह रहे हैं कि आज हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं? बहुत बेहतर है पहले से। जब जो व्यवस्था ऐसी थी, मैंने वो दिन भी देखे हैं कि घर पर बैठ के कॉपी कर रहे हैं और कॉपी जमा करके आ रहे हैं, आज वो नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। नकल की आप बात कर रहे हैं, उस पर योगी सरकार ने काफी हद तक काम किया, जिसका जिक्र भी आप कर रहे हैं बराला जी। लेकिन एक चीज देखिए, इस चुनाव में अगर बात करते हैं तो आज जो स्किल्ड है उसके पास में रोजगार के अवसर हैं, जिसके पास हुनर है उसके पास रोजगार के अवसर हैं। तो आज जब नई शिक्षा नीति की बात करते हैं तो क्या मानकर चलें, आज उस नई शिक्षा नीति के लिहाज से क्या हम वही स्किल्ड छात्र छात्रा और वही युवा जनरेशन को अब कर जाएंगे? क्या हम उस हालात में इस वक्त हैं? हमारी नई शिक्षा नीति उस दिशा में ही इशारा करती है, उसी लिहाज से ही तैयार हुई है? पहले तो सबको ये जानना आवश्यक होगा कि शिक्षा नीति में बदलाव का मूल बिंदु क्या है और पहले शिक्षा नीति क्या थी। अब तक हिंदुस्तान के अंदर लॉर्ड मैकाले की दी हुई शिक्षा पद्धति से शिक्षा दी जा रही थी, जिसके मूल में था, एक सेंटेंस लॉर्ड मैकाले का बताऊं आपको,
जब उसके पिता ने पूछा यहाँ से हिंदुस्तान से वापस गया कि तुम हिंदुस्तान में क्या करके आए हो, तो उसने कहा मैं हिंदुस्तान में वो शिक्षा पद्धति दे के आ रहा हूँ जो काले अंग्रेज पैदा करेगी। उस शिक्षा पद्धति से हम लोग पढ़ रहे थे, ना हमारी संस्कृति से उसका वास्ता था, ना संस्कारों से था, ना यहाँ की चिति और प्रकृति से था। अब 2020 में, यानी इससे पहले कई बात होती रही, 70 साल से ऊपर हो गए, कि शिक्षा नीति बदलनी चाहिए, शिक्षा नीति बदलेगी, पद्धति बदलेगी, लेकिन बदलेगी ये कहने वालों पर भी कोई ब्लूप्रिंट नहीं था, और जो मांग करते थे कि बदलना चाहिए उनके पास भी कोई ब्लूप्रिंट नहीं था। हाँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसी संस्था थी जिसके पास कुछ ब्लूप्रिंट था, लेकिन 2020 में जब मोदी जी आए, और किस समय संकट के काल में डिजास्टर में मैनेजमेंट का मास्टर है मेरे नेता, ये तो उसने सिद्ध किया ही है, लेकिन साथ में 2020 के काल में जहां इतना बड़ा डिजास्टर चल रहा था, उस समय आने वाले भारत निर्माण की शिक्षा नीति भी उन्होंने दी, NEP 2020, जिसके मूल में, जैसे उसको मूल में मैंने बताया एक सेंटेंस जो बोला उसने अपने पिता से, हमारे इसके मूल में एक न्यूक्लियस में शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना, यानी इस न्यूक्लियस के सरकमफ्रेंस में सभी पाठ्यक्रम और कार्यक्रम बन रहे हैं, और इतने दिनों की लगी हुई जंग उसको धीरे धीरे हटा रहे हैं, एक नई शिक्षा कलेवर ले रही है, और वो रोजगार भी देगी, संस्कार भी देगी, तकनीक से भी जोड़ेगी, अतीत से भी जोड़ेगी, और आने वाले भविष्य का भी निर्माण करेगी। ऐसा शानदार था भूत, तो वर्तमान को संवारेगी और भविष्य को निखारेगी, वो शिक्षा नीति है। मतलब आप ये कह रहे कि जो हुनरमंद लोग होंगे अब वो आगे आएंगे इस शिक्षा पद्धति से, शिक्षा नीति से हुनरमंद लोग आगे आएंगे, हुनरमंद भी आएंगे। देखिए, हर पूरा वाइड स्कोप है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ स्किल भी दी जाएगी, ये उसमें है। ठीक है बराला जी, श्रम कल्याण एक सवाल है, तालियां हो जावे, मंत्री जी ने इतनी सारी अचीवमेंट गिनवाई है, लेकिन एक मैं बात जानना चाह रही हूँ, इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं सरकार के पास में, लेकिन ये क्या होता है कि नतीजों से पहले तो कभी नतीजों के बाद एक खटपट सी चलने लगती है। आजकल भी पिछले कुछ दिनों में इतनी खटपट की खबरें आई, कहीं दिल्ली दौड़ चल रही है, कहीं पर ऑफर मिल रहे हैं, प्रपोजल मिल रहे हैं, ये वार पलटवार चल रहा है, ये सब क्या चल रहा है? जब इतना अच्छा काम हो रहा है तो फिर ये आपसी खटपट क्यों, जब सब लोग समग्र भारत की बात सोच रहे हैं, तो फिर कहीं निजी हित है क्या किसी का कहीं कहीं? देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ये चुनाव हुआ, शायद सब इस बात से सहमत होंगे कि पहला चुनाव ऐसा था जो ना तो मोदी सरकार के लिए ना योगी सरकार के लिए एंटी इनकम्बेंसी नहीं था, प्रो इनकम्बेंसी थी, बल्कि मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन एक भ्रम फैलाने में वो लोग, हमारे विपक्षी, अगर यही असेसमेंट मार्च से पहले किया जाता तो सब बता रहे थे कि हाँ 400 पार होंगी, लेकिन कि कतिपय कारणों से उन्होंने ऐसा भ्रम फैलाया कि हम संविधान बदल देंगे, हम आरक्षण खत्म कर देंगे, और वर्ग विशेष पर ले आए, राष्ट्रीय स्तर की जगह चुनाव को संकीर्णता की ओर ले गए, ये पाप किया है उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए, इस राष्ट्र के लिए। दूसरा विषय ये कि हम जो कर रहे हैं वो जनता को मालूम है। तीसरा, इस जोकर पने की राजनीति से खत्म करना चाहिए। अब एक और भ्रम फैला रहे हैं, 100 ले आओ सरकार बनाओ, कौन सा संविधान कहता है 100 ले आओगे एंटी उसमें नहीं आएगा डिफेक्शन बिल में, एंटी डिफेक्शन बिल जो है उसमें 2/3 मैच्योरिटी यदि अलग होती है तब जाके उनको मान्यता मिलेगी, वरना सबकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में ये जोकर पने की बात करना, छाता लेना कि मानसून आ रहा है, कि कंबल ले आएंगे आने वाले समय में, कि जाड़ा आ रहा है हम ऑफर दे रहे हैं, ये सब उन्होंने खामखा जो भ्रम उन्होंने चुनाव में फैलाया वो भ्रम जनता के सामने डाल रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है, पार्टी के अंदर कोई गतिरोध नहीं है। तो वो तो कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना पर आप लोगों को ले आए घुटने पर, देखिए आप लोग काम कर रहे हैं, अब आप कहीं मध्य प्रदेश सरकार अपना फैसला सुना रही है कि हम पुलिस भर्ती में देंगे मौका, हम वहां प्राथमिकता देंगे, आरक्षण देंगे, यूपी सरकार ने अपनी तरफ से ऐलान किया, तो वो कह रहे हैं देखिए प्रेशर तो आप मान रहे हैं, विपक्ष का काम चल रहा है। नहीं, देखिए जनता के हित में यदि कोई भी बात होगी उसे स्वीकार करने में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए, कहीं प्रेजुडिसनेस नहीं है, ये इस बात का शो करता है कि हमारे नेता किसी बात से प्रेजुडिस नहीं है। अग्निवीरों की बहुत अच्छी योजना, अग्निवीर ऐसी नहीं है, इन्होंने भ्रम फैलाया,
इन्होंने कैसे भ्रम फैलाया था ध्यान करिए। जब भूमि अधिग्रहण बिल आया पूरे देश में ये माहौल पैदा कर दिया कि साहब ये तो ऐसा बिल है कि नो अपील नो दलील नो वकील सब जनता किसानों की जमीन अधिग्रहण कर लेगी सरकार। किसान उस मुगालते में आया, लेकिन आज जब वो भूमि अधिग्रहण बिल लागू हो रहा है तो किसान दौड़ दौड़ के आ रहे हैं कि हमारी भूमि अधिग्रहण कर ली जाए, क्योंकि गाँव में 4 गुना शहरों में 2 गुना पैसा मिल रहा है उस अधिग्रहण जहाँ भी हो रही है। एक आगरा का उदाहरण बताऊं, एक्वायर की गई है जमीन हवाई अड्डे के लिए, एक कांग्रेसी नेता थे जो विरोध कर रहे थे इस बात का उस समय, और जब अधिग्रहण होने लगी तो वही मेरे पास आए कि हमारे खेतों को भी उसमें अधिग्रहण करवा दीजिए। मैंने कहा क्यों भैया, तुम तो इस अधिग्रहण के विरोध में थे। यानी भ्रम पैदा करना, ऐसे ही अग्निवीर के लिए भ्रम पैदा किया। हम जितनी सुविधाएं और देना चाहेंगे उतनी देंगे, इसमें किसी को क्या ऐतराज है। पराला जी, आजकल संसद में देख रहे हैं काफी, देखिए ऐसा है कि जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में बजट का विभाजन होना चाहिए। बड़े राज्य हैं, आंध्र भी बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश भी बड़ा राज्य है, बिहार भी बड़ा राज्य है, सही जनसंख्या की दृष्टि से सबको मिल रहा है। उत्तर प्रदेश को पहले कुछ ज़्यादा मिल गया तो इस बार उनको ज़्यादा मिल गया। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई कुछ लोगों की आदत है कि गिलास आधा खाली है आधा भरा है बात वही की है। आधा भरा हुआ जो कहते हैं वो सकारात्मक दृष्टि रखते हैं, जो कहते हैं आधा खाली रह गया आधा खाली रह गया आधा खाली, वो नकारात्मक दृष्टि रखते हैं। अब ममता चिल्ला रही है कि उत्तर प्रदेश बिहार और आंध्र को ज़्यादा दे दिया। ममता जी को जब दिया था आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया है। जो बजट देते हैं उनको जन जन हितकारी योजनाओं को लागू तो करें। तो ऐसे ये तो चलता रहेगा, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाने की जिन लोगों की आदत है। लेकिन कितना बढ़िया बजट आया है, यदि मैं नटशेल में कहूं, ये बजट गांव गरीब और किसान, बेरोजगार नौजवान, नारी के सम्मान, उद्योगों के उत्थान, नवाचार को अनुसंधान और आने वाली पीढ़ी को नए आयाम दे रहा है। ये बजट समग्र दृष्टि से देखा जाना चाहिए। लेकिन क्या आप ये नहीं मानते कि यूपी को भी विशेष पैकेज की आवश्यकता है? यूपी को पर्याप्त पैसे मिल रहा है, पैकेज पर्याप्त धन मिल रहा है, और यूपी अपने आप में भी सक्षम है। इस समय अपने दम पर भी सरकार चला रहे हैं हम लोग, कोई टैक्स नहीं लगते। पिछले यूपी के उसमें देखिए टैक्स नहीं लग रहे हैं, लेकिन बजट सबसे बढ़िया आ रहा है। सबसे बड़ा बजट उत्तर प्रदेश का है अब अन्य राज्यों की अपेक्षा अब तक, और उत्तरोत्तर श्रेणी में बढ़ता जा रहा है उसका आकार। तो जितना मिल चाहिए उतना देते हैं मोदी जी, और हर एक को समदर्शी है उनकी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, जो उनका नारा है वो यथार्थ पे, वो कोई पॉलिटिकल नारा नहीं है, हर पहलू पे यथार्थ पे उतरता हुआ दिखता है। कोई पहलू उठा के देखिए आप, चाहे वो आयुष्मान का कार्ड हो, चाहे घर का वितरण हो, चाहे वो राशन का वितरण हो, या प्रदेशों को मिलने की पैकेज हो। अच्छा, मेरे जहन में एक सवाल आया आपसे बात करते करते लोगों के चेहरे देखकर, कि यहाँ पर बैठे जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है कि 80-90% ऐसे लोगों के जिनके कोई भी बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते होंगे। नहीं पढ़ते किसी के बच्चे सरकारी स्कूल में? अब आप बताइए, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, शिक्षकों की फौज तैयार कर रहे हैं, विदेशों से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए, हम ये प्रयास कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि सरकार को यह भी आवश्यकता है कि सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का जो भरोसा है वो बढ़े, ताकि लोग, ये जो निजी स्कूलों की मनमानी चल रही है, इतनी भारी भरकम फीस लोग देने को तैयार हैं, कर्जे ले लेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन सरकारी स्कूल में नहीं भेजेंगे। अब मैंने बताया और खासतौर से दोबारा दोहराया था उस सेंटेंस को कि 7 सरकारी विश्वविद्यालय A++, और दोहराते हुए कहा था, आज उत्तर प्रदेश में कोई निजी विश्वविद्यालय A++ रैंकिंग में नहीं है। ये अपग्रेडेशन हुआ है। जब अपग्रेडेशन हुआ तो विदेशों के, लखनऊ का उदाहरण दिया, विदेशों तो के छात्र यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। आज लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए सिफारिशें भी नहीं मानी जा रही हैं। ऐसे ही कानपुर विश्वविद्यालय जो ग्रेडिंग प्राप्त है। तो धीरे धीरे उस स्तर पर हम ला रहे हैं, जब लोगों का विश्वास जग रहा है कि सरकारी विश्वविद्यालय या सरकारी कॉलेज भी, अब कॉलेजों को हमने कंपटीशन में लाए हैं कि आप लोगों को नेक ग्रेडिंग में आना है, और नेक ग्रेडिंग में आना है तो फिर उस स्तर को छूने का उनका प्रयास रहेगा, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो ऐसे समय में जो मैंने बताया कि पिछले दौरों की शिक्षा की नकल करो हमें वोट दो, वो शिक्षा, और आज मुझे कहने में कोई एतराज नहीं है,
जो आम छात्र पास होना चाहता है, नकल से हो चाहे जैसे हो, ये माहौल बनाया उन लोगों ने। शिक्षक नकल कराना चाहता है, वो पढ़ाना नहीं चाहता कि नकल से पास हो जाए। जो व्यवस्था थी प्रबंध तंत्र, वो नकल कराता था, अभिभावक नकल कराने में विश्वास रखता था। सिर्फ आज योगी सरकार के लोग उसको रोकने के लिए, एक कितनी बड़ी चुनौती है कि ये सब लोग नकल कराना चाहते हैं, हम नकल रोकना चाहते हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्ल शिक्षित हो, ना कि नकलची कहलाए। लेकिन भराला जी, फिर भी अभी तो कितनी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आए, जिसने फिर से लोगों के जहन में सवाल खड़ा कर दिया। देखिए, पहले जो पेपर लीक होते थे, संगठित ग्रोह, राजनीतिक लोग संरक्षित, बल्कि कई लोग जुड़े, खुद ही राजनीतिक व्यक्ति जुड़े हुए थे उस अपराध से पेपर लीक कराने के। मैं जब बना एजुकेशन मिनिस्टर, तो पहले 2 महीने में एक पेपर लीक हुआ, उसके बाद आज तक नहीं हुआ। क्यों? मैंने उसे फिर टेक्नोलॉजी से जोड़ा, पेपर वितरण को टेक्नोलॉजी से जोड़ा। कैसे? पहले मैंने तुरंत उस वीसीस को बुलाया, मैंने कहा कैसे पेपर का वितरण होता है? बोले नोडल सेंटर्स पे जाते हैं, वहाँ से एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हैं। मैंने कहा नोडल सेंटर से एग्जामिनेशन सेंटर पे कैसे जाते हैं? बोले एक कार टैक्सी की जाती है, उस सब जगह बांट आती है। मैंने कहा इसका मतलब अगर 7 बजे पेपर शुरू हुए तो सुबह 4 बजे निकलता होगा नोडल सेंटर से। बोले हाँ। मैंने कहा क्यों? अब नोडल सेंटर से एग्जामिनेशन सेंटर आधे घंटे से ज़्यादा दूरी पर नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, हर नोडल सेंटर, हर एग्जामिनेशन सेंटर से नोडल सेंटर एक टैक्सी लेके जाएगी, उसमें GPS सिस्टम होगा जो ऑब्जर्वेशन में रहेगा कि कहाँ जा रहा है। जिससे पहले गत्ते के कार्टून में जाते थे, अब टिन के कार्टून में भेजें, ऐसी व्यवस्था कराई गई है। और वहाँ पर नोडल सेंटर पर डिजिटल लॉक है जो VC के ऑपरेट होने से ऑपरेट होगा और सीधे वहाँ पहुँचेगा। जब पेपर खुलेगा तो एक छात्र, एक चतुर्थ क्लास कर्मचारी, एक टीचर और पूरी व्यवस्था के सामने खुलेगा। तो अब पेपर लीक होने की घटना नहीं हो रही, और होंगी भी तो दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। पहले इसलिए हो रही थी कि दोषियों को विश्वास था कि हम तो चूंकि पॉलिटिकल प्रेशर करके बचा लेंगे अपने आप को, इसलिए पेपर लीक हुआ करते थे। अब उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय स्तर, माध्यमिक शिक्षा स्तर, बेसिक का तो विषय नहीं था ये, इस स्तर पर कोई पेपर लीक नहीं हो रहा। पराला जी, अब ठीक है ना पार्टी में सब कुछ, मामला थम गया ना अब? पार्टी में हमारे यहाँ कभी कुछ रहा ही नहीं, कभी खराबी नहीं हुआ। क्या तैयारियां आप लोगों की, पूरी तरीके से तैयार हैं उपचुनाव में? देखिए, उपचुनाव जो है 10 सीटों पर उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं उपचुनाव में, वे तो उसमें कहीं शंका नहीं। हम समाजवादी पार्टी और जो अन्य पार्टियों की जो सीटें हैं वो भी हम जीत करके आएंगे इस बार। आप देखना, उपचुनाव का ऐसा रिजल्ट आएगा कि एक ऐतिहासिक रिजल्ट आएगा कि इनको अपनी सीटें बचानी भारी पड़ जाएंगी। सर, क्या स्ट्रैटेजी है इन सीटों पर, क्योंकि इनमें ज्यादा सीटें तो समाजवादी पार्टी की रही जो खाली हुई, तो ऐसे में? हाँ जी, योगेंद्र जी से। ऐसा 5 सीट हमारी है, 5 उनकी है। हम अपनी सीटों पर सेंध नहीं लगने देंगे, और हमारी सीटें हैं इसलिए उसमें ज्यादा चुनौती नहीं है, वो हम पूरा कर लेंगे। रही उन 5 सीटों की, उनको भी छीन लेंगे। इन्होंने इस चुनाव में जो हमें अपेक्षित परिणाम ना मिले, मैंने बताया कि भ्रम फैलाया कि साहब संविधान बदल देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे, तो एक वर्ग विशेष संकीर्णता में चला गया, और वो उसने अपने निजी स्वार्थों में कि ऐसा बदलाव हो जाए। वर्ग विशेष, किस वर्ग विशेष की? दलित और पिछड़ा। इनको ये तो आपके साथ में थे, दलित भी, पिछड़ा भी, पिछले विधानसभा चुनाव में तो आपके साथ। यही मैंने कहा, इनमें भ्रम फैलाया तो ये लोग थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ, यही मैं कह रहा हूँ। तो ये तो फिर पार्टी के लिए नुकसान की बात हुई ना, अगर भरोसा आपसे कहीं चला गया, अगर कहीं भी दूर हुआ, तो ये तो पार्टी के लिए नुकसानदायक है। पूरी बात सुन ले मेरी, आपको जवाब मिल जाएगा। मैं इसी पे आ रहा था, भ्रम ज्यादा नहीं चलता, झूठ ज्यादा देर नहीं टिकता। इस भ्रम को दूर हो रहा है, काठ की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती। अब ये भ्रम दूर हो जाएगा तो उनको सबको समझ में आ गया कि ना कोई मंशा थी मोदी जी की या भाजपा की कि संविधान बदल देंगे, ना मंशा थी आरक्षण खत्म कर देंगे। अब वो भ्रम दूर हो गया तो वो पुनः जानता है सबके दिल में पहले राष्ट्रवाद है। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इस देश के लिए नहीं सोचता है। ये लोग अपने लिए सोचते हैं, हम देश के लिए सोचते हैं। 3 तरह के राजनीतिज्ञ होते हैं,
एक राजनीति खांटी राजनीति की, जो इलेक्शन टू इलेक्शन सोचता है बस कि अगला चुनाव में कैसे जीत लूं, उस हथकंडे पे लगता है, बीच में कैसे सरकार बना लूं, मानसून ऑफर फलाना ऑफर जोकरों की तरह से बातें करता है, एक वो राजनीतिक है जो इलेक्शन टू इलेक्शन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ तक ध्यान देते हैं, एक होते हैं राजनेता जो अपने शहर के लिए आसपास की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कुछ सोचते हैं, और एक होते हैं राष्ट्र नेता जो आने वाली नस्लों के लिए सोचते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचते हैं, देश के लिए सोचते हैं। मेरे पास मोदी है, मेरे पास योगी है। तो भराला जी स्ट्रैटेजी यही रहने वाली है, मोदी और योगी के नाम पर होगा चुनाव भराला जी? इनके ये राष्ट्र नेता है, मैंने ये बताया है, मोदी और योगी के कृतित्व, ये देखिए कृतित्व ही हमारा व्यक्ति, कोई व्यक्तित्व हो इनके पास, मैं चुनौती देता हूं उस बात को कि कोई व्यक्तित्व हो मोदी और योगी की टक्कर का, कोई कृतित्व हो उनके जैसे 70 साल जिन्होंने राज किया, बताएं उनके जैसे कृतित्व हो। तो इसलिए हम अपने व्यक्तित्व को भी जानते हैं, कृतित्व को भी जानते हैं, और नीचे तक वही हमारे पे लीडरशिप वही काम करती है जो मोदी और योगी इस बात का प्रतिबिंब बने हुए हैं। भराला जी, आपसे किसी भी नेता की जिम्मेदारी भी होती है नैतिक तौर पर, क्योंकि जनता उनको अपनी सेवा का ही मौका देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का भारत 24 के मंच पर आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, और मेरे तीखे सवालों का बेबाक जवाब देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी आपको, तो जोरदार तालियां।